दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। अज संडे है, कल गुरु महाराज जी का गुरपुरब है। सब नूं कहीदा, बोल के कहीदा कि बाबे नानक दे नां नाल चलीदा। अज गुरपुरब तो पूर्व एक परमात्मा बाबे नानक दा बंदा मेरे कोल आया। बंदा ही कहूँगा, बाबे नानक दे सारे रिस्पैक्टफुली। ये है कि सरदार जी डॉक्टर सतनाम सिंह ने कपूरथला दे विच होंदे, इन्हां दा भाटिया हॉस्पिटल है। महाराज जाने बाबे नानक ने की राह दिखाया कि साढ़े तक आए। सवेर दा वेला है, इन्हां दे आप दे जवानी दसण दे अनुसार सत स्टंट पै ले समय समय सिर। मैं नबज़ देख के बाबे नानक नूं पुछ के हाजर नाजर हो के मैं कहा, सर तुसीं बिल्कुल ठीक हैं, तुहानूं हुण आप दी बाकी दी जिंदगी दे स्टंट दी लोड़ नहीं पएगी। मेहरबानी। ठीक, ये गुरपुरब की सारी संगत को बधाइया। तो डॉक्टर साहब थानू भी, तुम बहुत अच्छा चंगी जिंदगी वधिया अपनी मेहनत के ना कमा के कपूरथला इलाके ना चलता। बिल्कुल, साढ़े लोग आके दसते हैं। तो बाबे नानक के गुरपुरब के नाले संगत को बधाइया, नाले सच दस दौ कि असं थोड़े ना क्या वरत्या, बस दूजी कोई गल नहीं होगी। देखो डॉक्टर साहब, बताएं कि बेसिकली आया तो मैं टेंशन बहुत सी, शायद मैं कोई दिक्कत होर ना निकल आए, पर तुहाडी इह गल कहिण ते कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं अद्धा तो सब वैसे ही नॉर्मल हो गया, बाकी कर गाल तुहाडियां दवाइयां ने वैसे भी मैं ठीक हो जाना। प्रॉबली मैं ना पहला मैनू ये टेंशन ये होंगी सी कि आया मेरी बाईपास सर्जरी ना हो जाए। देखो सर, उस तो मैं बहुत डरता सी, इसलिए डरता सीगा कि मैं बहुत केस देखे ने जो खराब हो जाते हैं, अल्टीमेटली रिकवरी होंगी नहीं। मैं इसी डर के उत्तर मैं कहा, मैंने किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब देखो कंसल्ट करो, मैंने किसी मरीज ने मैंने दसिया सर तुम चंडीगढ़ जाके ना उन्होंने मिल के जुड़ा हो, तो मैं अज इस वास्ते स्पैशली मिलने वास्ते आया साहब जी। मैं सर थोड़ा तय दिलों धन्यवादी हाँ। ऑन रिकॉर्ड धन्यवादी हाँ कि थोड़े मैंने आशीर्वाद मिले, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਓਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਖਟਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।